बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की। और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की जेब पर इसका असर। पेट्रोल में 14 पैसे और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ अब पेट्रोल 93 रुपए, डीजल 83 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो एक सप्ताह में पेट्रोल के दामों में 1.04 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, 1.04 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और आपको बता दें कि 14 पैसे पेट्रोल और डीजल 80 पैसे महंगा हुआ है। इसी के साथ पेट्रोल के दाम 93 रुपए और डीजल के दाम 83 रुपए हो गए हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं। पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर पार, इसके साथ ही डीजल के भाव भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह में पेट्रोल 1.04 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है और मंगलवार को ये दाम बढ़े हैं। वहीं डीजल के भाव भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से आम लोगों की जेब पर मार पड़ेगी महंगाई की। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर उछाल आया है और पेट्रोल डीजल में के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 93 रुपए और डीजल 83 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। तो इस वक्त की खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां आम लोगों पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 93 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के भाव भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, 1.04 रुपए प्रति लीटर हुआ है महंगा पेट्रोल डीजल, आपको 93 रुपए पेट्रोल डीजल 83 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि एक बार फिर से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। हाँ बिल्कुल जया, देखिए अगर पिछले कुछ समय के अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ना सिर्फ आपका ट्रैवल करना यानी कि अपने वाहनों का उपयोग करना महंगा होता है, बल्कि जो अन्य जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर जो फूल फल सब्जी और किराने के तमाम सारे सामान हैं जो एक्सपोर्ट होकर आते हैं, खासकर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए, उनके दामों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों में जब वृद्धि हो रही है तो उसका सीधा असर जो है दूध के दामों में पड़ रहा है। दूध के दाम भी अगर भोपाल की ही बात की जाए तो जो पैक्ड मिल्क आ रहा है वो 60 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। सब्जियों की कीमत आप देखेंगे तो 40 रुपये प्रति किलो से लेकर 50-60 रुपये प्रति किलो तक जो एक एवरेज है वो बाज़ारों में मिल रही है। इसके अलावा तेल, घी, शक्कर, अन्य जो ज़रूरी घरेलू सामान रहते हैं उनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बड़े पैमाने पर इसका जो सीधा असर है वो आम लोगों के बजट पर पड़ता है। वहीं ट्रैवल करना, गाड़ियां में पेट्रोल डलवाना तो महंगा हो ही रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग आशा भरी निगाहों से अब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि इससे कुछ राहत दी जाए। लेकिन जिस तरीके से COVID-19 का संक्रमण रहा, आर्थिक स्थिति चाहे सरकार की हो चाहे आम लोगों की हो, बहुत हद तक गड़बड़ाई है, जिसका असर जो महंगाई में वृद्धि हो रही है उसके रूप में देखने को मिल रहा है। जया, बिल्कुल, कुल मिलाकर आम लोगों की जेब पर इसका खासा असर। और आपको बता दें कि ट्रैवल करना महंगा हुआ है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है और 93 रुपये प्रति लीटर पार पेट्रोल, इसके साथ ही डीजल के भाव भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। तो बने रहिएगा वासु, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन आम लोगों की जेब पर इसका खासा असर और फिर से महंगाई की मार पड़ी है।